वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में रेल भवन तक कोरोना की घुसपैठ हो गई है। रेल भवन की चौथी मंजिल पर एक कर्मचारी को कोरोना हुआ और उसे क्वारंटीन भेजा गया। इसके बाद से रेल भवन को सील कर दिया गया है। अब 2 दिन तक रेल भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। 14 और 15 मई यानी 2 दिन के लिए बिल्डिंग को सील किया गया। 48 घंटे की समय सीमा जब सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही अब दफ्तर दोबारा खोला जा सकता है। रेल भवन के चौथी मंजिल पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस वक्त मैं रेल भवन के बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। रेल भवन की इसी बिल्डिंग में रेल मंत्रालय का पूरा कामकाज देखा जाता है। इस बिल्डिंग को 14 और 15 मई 2 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से ही ये फैसला लिया गया है। 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। सिर्फ सफाई कर्मचारी वो अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। अब जो ये रेल भवन की बिल्डिंग है इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर चलेगा। अगर आप देखें तो बाकायदा सैनिटाइजेशन के लिए जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये रेल भवन के अंदर की तरफ जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज भी कई शहरों से ट्रेन यात्रियों को लेकर पहुंच रही है। आज स्टेशन के बाहर क्या तस्वीर है, हमारे संवाददाता दिव्यांशु की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के ठीक 50 दिन बाद कल रेलवे सुविधाएं शुरू हुई और कल दिल्ली में सबसे पहली ट्रेन आई अहमदाबाद और पटना से। लेकिन कल कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, इसलिए काफी ऐसे पैसेंजर्स थे जो यहीं पे फंसे हुए थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि आज से यहाँ पे क्लस्टर ये सारी बसेस का इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं पैसेंजर्स की लाइन लगी हुई है जो अभी अभी रेलवे स्टेशन से आए हैं। उनकी अभी ट्रेन यहीं पे आई थी, दिल्ली रुकी है और ये सारे पैसेंजर्स तमाम राज्यों से आए हैं। अब एक एक करके ये सारी बोर्ड कर रहे हैं, इनको जिस जगह जाना है उसी हिसाब से ये यहाँ की कंडक्टर से पूछ रहे हैं और उसी हिसाब से ये यहाँ पे बस बोर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बस आई जा रही है। आपको बस का पता चल गया कैसे जाना है? नहीं। किसका, कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। पूछा कंडक्टर से? पूछा आपने? नहीं, किसी से नहीं पूछा, देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। प्रयास जारी है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और उनको सही बस में बिठा सके ताकि वो अपने घर तक पहुँच सके। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ दिव्यांशु आज तक। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की गाजीपुर मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि सैनिटाइजेशन के बाद ही अब इसे दोबारा खोला जाएगा। दिल्ली के सबसे बड़े मंडियों में से एक गाजीपुर मंडी, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि अब सफाई के बाद, सैनिटाइजेशन के बाद ही दोबारा मंडी को खोला जाएगा। 2 दिन के लिए इसे बंद किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।